जय श्री कृष्ण। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेती। तो आज हम प्रारंभ करते हैं अपनी कार्तिक कथा महात्म का तृतीय अध्याय, साथ ही वीडियो के अंत में कार्तिक महीने की श्रेष्ठता जो कि ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को बताई गई थी। तो तृतीय अध्याय में श्री नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे देव, आप मुझसे उत्तम देव का पूजन कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की तरफ गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर ही शालिग्राम और गोमती चक्र होते हैं। वहाँ पर रहने वाले मनुष्यों के निस्संदेह पाप दूर होकर उनकी मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम की मूर्ति के चरणामृत लेने को मंत्र कहते हैं। पापों के नाश करने वाले, अकाल मृत्यु का नाश करने वाले और सब रोगों को दूर करने वाले शालिग्राम के निर्माल्य को मैं नमस्कार करता हूँ, सिर पर धारण करता हूँ तथा चरणामृत का पान करता हूँ। शंख में भरा हुआ वे भगवान पर चढ़ा हुआ जल अंग में लगने से सब पापों का नाश करने वाला है, पीने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। शालिग्राम भगवान का पूजन बिना सामग्री के भी हो सकता है, केवल भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें दो हो वह नारायण, जिसमें तीन चक्र हो वह अच्युत, चार वाले को जनार्दन, पांच चक्र वाले को वासुदेव, छह वाले को प्रद्युम्न, सात वाले को संकर्षण, आठ वाले को पुरुषोत्तम, नौ वाले को नवव्यूह और दस चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। स्थान भी चाहे कैसा ही क्यों न हो, जो मनुष्य भगवान को पूजता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान को वीणा वंशी और गान सुनाता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाकर नाचता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, और जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरक को प्राप्त नहीं होता, तथा आरती करने वाला बैकुंठ को जाता है। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन, लेकिन श्रद्धा से किया जाए तो वही पूर्ण होता है। यहाँ हमारा तृतीय अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय से हमें मूलतः एक बात पता चलती है कि विभिन्न सामग्रियों से किया गया पूजन ही सर्वश्रेष्ठ है, यह मान्यता हमारी गलत है। जब हम विधि निषेध के नियमों में पढ़कर अपने हृदय की श्रद्धा को भुला बैठते हैं तब हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा और विनीत भाव से श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदित किया हुआ कोई भी पदार्थ हमें अक्षय फल देने वाला होता है। अब आपको मैं कार्तिक महीने की श्रेष्ठता बताती हूँ जो कि स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई है। नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि कार्तिक महीना भगवान विष्णु जी को हमेशा ही प्रिय है। इस महीने में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक महीने में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुण्य नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं, और इस महीने में किए हुए स्नान दान भोजन व्रत स्वर्ण चांदी भूमि एवं वस्त्र आदि के दान को देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक महीने में दान करता है उसे वह स्वयं ही अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्न दान का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इससे पापों का सर्वदा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का भी स्मरण कर ले और इस महीने में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक महीने की कथा को पढ़ ले अथवा सुन ले तो भी वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीपदान करें, दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें, तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें तो इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है।
कार्तिक महीने में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय काल में उठकर गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कलमशों को धो डालता है। कार्तिक में मनुष्य प्रतिदिन यदि गीता जी का पाठ करे तो उसके समान कोई पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक महीने में स्नान एवं दान का है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित है। अतः कार्तिक में अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो इस प्रकार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक महीने की श्रेष्ठता बतलाते हुए सर्वत्र संसार में कार्तिक महीने का प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया। तो यह हुआ हमारा आज का कार्तिक मास महात्म्य का तृतीय अध्याय। अगले वीडियो में हम चतुर्थ अध्याय के साथ कार्तिक स्नान की विधि, आकाशदीप की विधि, तुलसी और आंवले की महिमा को क्रमानुसार जानेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शुभ चिंतकों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि लोग कथा को सुन सकें और पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।